अंबेडकर नगर कलेक्ट्रेट के पास पुरानी पेंशन की मांग करते हुए शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की। हजारों की संख्या में उपस्थित शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश सरकार से पेंशन बहाली की मांग के लिए जोरदार आवाज उठाई और मुख्यालय नारों से गूंज उठा। शिक्षकों का कहना है कि बुढ़ापे की लाठी पेंशन को बंद कर सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। पुरानी पेंशन की मांग करते हुए नारेबाजी के साथ जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली निकालकर सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया गया। इन मांगों को लेकर आप लोग इकट्ठा हुए हैं आज? हम लोग भारत आज जो है पूरे प्रदेश में NMOPS के बैनर तले मतदाता जागरूकता रैली अब्लिक पेंशन बहाली जागरूकता रैली के संबंध में हम सारे लोग पूरे प्रदेश के 75 जिलों में एक अभियान के तहत सरकार को अपनी मांग के रूप में कहना चाहते हैं कि प्लीज कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुराने पेंशन योजना को बहाल करके भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय उपाध्याय है, प्रदेश मंत्री है टेवा। जय युवा, जय टेवा, जय युवा, जय टेवा। चलिए हम लोग सारे अनुशासन तरीके से, बहुत तेजी नहीं क्योंकि लंबा चल रहा है, और ये जो कार्यक्रम है मतदाता जन जागरण का है, आओ मिलकर अलग जगाए, आओ मिलकर अलग जगाए, सब परिषद मतदान कराए, आओ मिलकर अलग जगाए, आओ मिलकर अलग जगाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।